मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले ये हम ग्राफ आज देखेंगे, और ग्राफ आता नहीं है तो ये जो लिखेंगे इसको सॉल्व पहले करेंगे। x प्लस 3y बराबर 6, x बराबर 6, ये प्लस है, ये साइड लाएंगे माइनस होगा। अब इसमें कम से कम हम लोग को चार घंटा लगाना है, इसमें x इसमें y लेना। तो यहाँ लिख भी सकते हैं समीकरण एक से, ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है। अब प्यारे छात्रों इसमें मान पुट करेंगे, मान लीजिए इसका मान वन अगर पुट करते हैं, वन गुना थ्री, थ्री सिक्स में थ्री घटाएंगे ये थ्री होगा। मान लीजिए इसका मान टू जब पुट करेंगे, तीन दुना छः, छः में छः घटाएंगे जीरो। जब वाई का मान जीरो लेंगे, जीरो गुना थ्री, थ्री जीरो गुना थ्री जीरो, सिक्स में जीरो घटाएंगे ये छः होगा। अब प्यारे छात्रों समीकरण दो से, तो समीकरण दो क्या है, तो समीकरण दो है 2x माइनस 4y बराबर 12। 2x बराबर 12, ये माइनस है, ये साइड लाएंगे प्लस हो, x बराबर 12 प्लस 4y बटे 2। अब इसके लिए भी यही प्रोसेस करेंगे, खटाल बनाना है और मान को पुट करना है। आप लोग भी इसको नोट कीजिए। अब देखिए मान रखेंगे, जब मान रखेंगे मान लीजिए यहाँ जो है रखें जीरो, y का मान क्या रखें जीरो, जीरो गुना फोर तो जीरो, जीरो प्लस बारह ये कितना होगा बारह, बारह में दो से भाग देंगे छः। अब प्यारे छात्रों इसका मान रखते हैं हम लोग माइनस टू रखते हैं, तो जब माइनस टू रखेंगे ये चार गुना आठ, ये माइनस में आठ ये बारह है, बारह में आठ घटाएंगे चार, जब चार में दो से भाग देंगे दो होगा। मान लीजिए प्यारे छात्रों इसका मान रखेंगे माइनस थ्री, जब माइनस थ्री रखेंगे ये क्या होगा तो बारह होगा माइनस में, प्लस में बारह माइनस में बारह ये जीरो, जीरो में जब दो से भाग देंगे ये जीरो। जब इतना आप सॉल्व कर लेते हैं तब आपको क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। और समझिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। और देखिए अब इसका जो ग्राफ खींचेंगे वहां आप लोग को ग्राफ कॉपी मिलेगा, क्या मिलेगा ग्राफ कॉपी। अब देखिए ये x होता है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ सबसे देखिए अधिक अंक क्या है, सिक्स तक है, तो हम लोग को सिक्स तक लेना, उससे अधिक जितना ले सकते हैं। और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब प्यारे छात्रों ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये एक्स डैश होता है। अब ये वाई होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई डैश। ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये माइनस वाला टर्म होता है, ये माइनस का टर्म। जब ये बना लेंगे तब जो है इसको क्या करना है, मान इसमें पुट करेंगे। जब मान पुट करेंगे x का 3, x का 3 और y का 1, तो दोनों मान प्लस में x का 3 y का 1, तो ये दोनों का कॉर्नर बिंदु लेते हैं, ठीक है, जहां दोनों का कॉर्नर बिंदु आएगा वही मान लेते हैं। अब x का 0, x का 0 और y का 2, y का 2 लिए, 2 लिए, उसके बाद x का 6, y का 0, x का 6, y का 0। अब प्यारे छात्रों क्या करना है, ये तीनों बिंदु को मिलाएंगे, अगर तीनों एक छेद में आता है ये ग्राफ क्या है मेरा सही है, अगर तीनों बिंदु एक साथ नहीं आता है ये ग्राफ क्या है मतलब अर्थात गलत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान पूर्वक बनाए, और ग्राफ कॉपी में बनाने के बाद ये पूरा पूरा कटता है, ठीक है। अब प्यारे छात्रों इसको मान, इसका मान रखेंगे x का 6 y का 0, x का 6, x का 6 y का 0, x का 6, x का
का 6 यहां आए और y का 0 एक पॉइंट होगा। अब x का 2, x का 2 y का -2, ये वाला कॉर्नर होगा, इस जगह आएगा ये वाला कॉर्नर आएगा। अब प्यारे छात्रों x का 0 y का -3 ये पॉइंट आएगा। अब इसको जो है मिलाना है, इसको मिलाना है आप लोग इसको जो है स्केल से खींचिएगा। अब देखिए ये जो किस समीकरण का है, इसको हम लोग लिखेंगे, ये जो है सेकंड समीकरण है, ये 2x - 4y = 12। और ये जो है किस समीकरण का है, 1x + 3y = 6। और इसमें हम लोग पॉइंट भी दर्शाने के लिए अगर चाहेंगे दर्शा सकते हैं, x का 3 y का 1। पहले x टर्म में लिखा जाता है, उसके बाद क्या है x का 0 y का 2। अब क्या x का 6 और y का 0। अब प्यारे छात्र इसमें x का 6 y का 0 एक पॉइंट होगा, x का 2 और y का -2 ये 2 - 2। अब क्या है x का 0 y का -3 ये 0 - 3। ये कंप्लीट ग्राफ है और ये जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 2 क्या है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात करें। तो यहां लिखना है सॉल्व, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। माना बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y है। संपूरक का मतलब होता है, यहां लिखेंगे प्रश्न से या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, ATU कह रहा है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात करें। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, x + y = 180 डिग्री। अब प्यारे छात्रों छोटा कोण बड़े कोण से क्या 18 डिग्री क्या है अधिक है। अब देखिए x ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस ये 18 डिग्री, ये समीकरण 2। जब दोनों इक्वेशन मिल जाए उसको हम लोग विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से किसी भी विधि से हल कर सकते, समीकरण 1 तथा 2 से। जब ये लिखेंगे x + y = 180 डिग्री, x - y = 18 डिग्री। अब प्यारे छात्रों ये कैंसिल, अब x और x ये 2x होगा, इसको जोड़ेंगे ये 8 ये 9 ये 1। अब प्यारे छात्रों लिख सकते हैं 2x = 198 डिग्री, 2x = 198 डिग्री, x = 198/2। ये 2 से कटाएंगे 9 दुना 18 बचा 1, 9 दुना 18 x = 99 डिग्री। पहला आंसर तो यही होगा। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर x + y = 180 डिग्री। अब देखिए ये 99 y = 180 ये प्लस है डालेंगे माइनस 99 y = 81 डिग्री। आप लोग इसको नोट कीजिए, ये दोनों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इतना अगर आप एग्जाम में करके आते हैं 5 मार्क्स मिलेगा। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आपको जो है 5 मार्क्स का जो है 4 क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में, और सबसे आसान क्वेश्चन होता है, इसको छोड़ना नहीं है। अगर मैथ में एवरेज मार्क्स लाना है आप लोग को क्वेश्चन नहीं छोड़ना होगा। तो देखिए सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + cot² a को लागू करके सिद्ध करें cos a - sin a + 1 cos a - sin a - 1 cos a + cot a। तो प्यारे छात्रों यहां लिख सकते हैं अंश तथा हर में sin
साइन से भाग लगाएंगे, साइन से भाग लगाएंगे, साइन से भाग लगाएंगे, ये कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस वन बटे साइन ए। प्यारे छात्र ये कट रहा है कटाओ, ये भी कट रहा है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस एक ए बटे साइन ए, ये कोट ए का फॉर्मूला है, माइनस ये वन वन बटे साइन को लिख सकते हैं कोस एक ए। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे कोट ए प्लस वन माइनस कोस एक ए। ये एल एच एस, एल एच एस मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ये कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस वन, इसको सेटअप सही से कर दिए, इसको भी लिखेंगे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। अब प्यारे छात्रों क्या करना है, ये वन को सेटअप करना है, वन को सेटअप करने के लिए ये इसको जो है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए प्यारे छात्रों इसको हम समझा रहे हैं, इसको समझाने के लिए हमको क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोसेक कोसेक स्क्वायर ए कोसेक कोसेक स्क्वायर ए वन प्लस कोट स्क्वायर ए है, तो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये प्लस कितना है माइनस वन, ये वन। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो हम ये क्वेश्चन में प्यारे छात्रों अब इसको क्या लिखेंगे, बोलिए ये कोट ए प्लस कोसेक ए, अब ये वन को सेटअप करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ये केवल ऊपर वाले को सेटअप करना है, नीचे में जो है वही लिखेंगे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। अब प्यारे छात्रों लिखना है ये कोट ए माइनस कोसेक ए, अब इसको ये सूत्र पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला होता है, फार्मूला होता है कोसेक माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको ऐसा लिखेंगे। अब नीचे में है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, इधर आप लोग एल एच एस दे सकते हैं, तो ये लिखेंगे, अब ये दोनों में कॉमन लिखे, ये टुकड़ा दोनों में, ये कोट ए माइनस कोसेक ए को क्या किए कॉमन किए, जब ये टुकड़ा निकलेगा यहाँ वन बचेगा। प्यारे छात्रों ये दोनों में ये एक कॉमन के यहाँ बचा, क्या यहाँ बचा कोसेक कोसेक प्लस कोट ए, कोसेक प्लस ये कोस में लिखना है कोसेक ए प्लस कोट ए, ये प्लस वाला टुकड़ा बचा है, और नीचे में लिखना है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। अब प्यारे छात्रों लिखना है, अब देखिए ये कोट ए माइनस कोसेक ए, और इसको क्या लिख सकते हैं वन, ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस कोसेक ए प्लस माइनस क्या होगा, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं माइनस कोट ए। अब प्यारे छात्रों ये नीचे में क्या है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है इससे ये टर्म कैंसिल,
बचा क्या? यहाँ प्लस है, ये प्लस वाला हम लोग कॉमन किए तो ये माइनस वाला बचा, ठीक है। तो अब जब ये प्लस वाला बचेगा तो ये प्लस हो जाएगा ये चीज, तो ये जो है ठीक है। अब इसको कटा लेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं cot a प्लस cosec a, तो लिख सकते हैं lx s बराबर rh s। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर इसी प्रकार से आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन में का छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं कि हम जो है चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय ले रहे हैं। अभी से अगर आप लोग प्रयास कीजिएगा तो एग्जाम में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधा के त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो प्यारे छात्रों क्या लिखना है, यहाँ दिया क्या है? सबसे पहले मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, गिवन दैट दिया गया, तो शंकु के ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु के त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, शंकु का आयतन 1/3πr² h, गोले का आयतन 4/3πr³। अब प्यारे छात्रों 1/3 ये π है, r r है 3×3, h है 12, 4/3 ये π है, और गोले का क्या निकालना है, गोले का त्रिज्या निकालना है, ये आर क्यू निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल होगा। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, अब बार दिया 36, ये 4r³/3, नहीं कुछ तो नीचे 1। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4r³/36×3। अब r³, आप देखिए ये 36×3/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4/3πr³। अब देखिए ये क्या होगा, 9 होगा, 4×36, r³ ये 27, r√√27, इसका मतलब होता है घनमूल, r इसको लिख सकते हैं 3×3×3, r 3 सेंटीमीटर, गोले के त्रिज्या r 3 सेंटीमीटर। आप लोग इसको नोट कीजिए और ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का जो वीडियो है आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले पार्ट में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।